कोरोना महामारी ने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली मुंबई में नए मरीजों की संख्या में कुछ कमी आए तो कर्नाटक में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में मंगलवार सुबह तक कुल कोरोना केसों की संख्या 7,19,665 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 20,160 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,59,557 केस एक्टिव हैं, वहीं 4,39,948 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पंजाब, गोवा, झारखंड जैसे राज्यों में अभी तक कोरोना के मामले कंट्रोल में थे, लेकिन अनलॉक 2.0 के कई पाबंदियों में ढील देने के बाद कोविड-19 के केस वैसे राज्यों में भी बढ़ रहे हैं जहां अब तक इस पर लगाम लगी हुई थी। अभी तक जिन छोटे राज्यों में कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, वहां अब इसका फैलाव तेजी से हो रहा है। 19 मई से 1 जून तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पॉजिटिविटी रेट कम था, वहां अब यह दर बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा डर कर्नाटक में लग रहा है, जहां पॉजिटिविटी रेट 19 मई से 1 जून के दौरान महज 1.35 था, वहीं 19 जून से 2 जुलाई के बीच यह बढ़कर 5.74 हो गया है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की सूची में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत से ऊपर सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और ब्राजील।